सोशल प्रूफ, सिंपल शब्दों में पीयर प्रेशर। और ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉग्निटिव बायस है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन भी। अब पीयर प्रेशर की वजह से आपने भी बहुत काम किए होंगे या शायद करने वाले होंगे एंड यू रियलाइज दैट मे बी यू शुडन बिकॉज पीयर प्रेशर। मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है कि पीयर प्रेशर होता क्या है। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो और आप देखते हो कि एक मतलब दो तीन लोग ना ऐसे ही ऊपर देख रहे हैं कोई बिल्डिंग पे, आप एक ग्लांस तो दोगे ही ना उस बिल्डिंग को, जबकि आपको किसी ने बोला भी नहीं देखने के लिए, लेकिन आप तब भी देखोगे ही। ये भी एक टाइप का पीयर प्रेशर ही है। जैसे आप कोई कॉन्सर्ट में जाओ या कोई स्टैंड अप शो में जाओ, वहाँ पे अगर एक बंदे ने ताली बजाना शुरू कर दिया तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी एक सोशल प्रूफ है। स्टैंडिंग ओवेशन टू। द मोस्ट इम्प्रेसिव बट ट्रबलिंग केसेस ऑफ पीयर प्रेशर वुड बी ड्यूरिंग द जर्मनी वॉर। एक नाजी प्रोपेगेंडा था जहाँ पे उनका वो मिनिस्टर स्पीच दे रहा था और उसने क्राउड से वॉर के बारे में एक क्वेश्चन बोला। द क्राउड रोड, सब ने हाँ बोला, बट अगर वो उन लोगों को इंडिविजुअली पूछते तो सब वो आइडिया डिनाई करते, क्योंकि वो बहुत एक स्टूपिड आइडिया था, बट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एवरीवन सेड यस। अ सिमिलर सिचुएशन कैन बी ऑब्जर्व इन क्लासेस टू। जब टीचर पूछती है कोई डाउट है तो कोई हाथ नहीं उठाता क्योंकि कोई और हाथ नहीं उठा रहा। उनको लगता है कि हाँ सबको समझ में आ ही गया है तो मैं मतलब मेरी क्या ज़रूरत है, मैं अकेले में पूछ लूँगी ऐसा कुछ। दिस इज़ ऑल्सो पीयर प्रेशर। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और उस सब की भी बात है हाँ, बट एक छोटा सा कॉम्पोनेंट पीयर प्रेशर भी है यहाँ पे। ये सब तो ठीक है लेकिन हम ऐसा करते ही क्यों हैं? वाई डू वी फॉलो द क्राउड? दिस इज बिकॉज ऑफ आर पास्ट। इन एशियन टाइम्स फॉलोइंग द क्राउड वॉज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। अगर आपका हंटर और गैदरर का ग्रुप कहीं भाग रहा है तो आप उनके साथ ही भागोगे ना, राइट? बिकॉज दैट्स द बेटर थिंग टू डू। अब जैसे आपके ग्रुप को एक लायन दिखा तो वो लोग भागेंगे, आपको भी भागना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट करो और देखो कि वो लायन ही था कि नहीं, कन्फर्म तो आप कोई सेफ जगह पहुँच के भी कर सकते हो ना। सो इट्स गुड फॉर सर्वाइविंग दैट यू फॉलो द क्राउड। अब जो लोग क्राउड को फॉलो करते थे वही सर्वाइव कर पाए, इसलिए हम उन्हीं से इवॉल्व हुए और ये पता नहीं कब से हम में डीप रूटेड है। दैट्स वाई वी स्टिल हैव दिस। सोशल प्रूफ इतना कॉमन है कि इसके हर जगह एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे जब आप कुछ म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक की भी वो रेटिंग होती है ना कि कितने लोगों को अच्छा लगा, कितना ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन कोई अनपॉपुलर गाना, ये मतलब थोड़ी ना कि वो बुरा है। शायद वो म्यूज़िक टेस्ट ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, इसलिए वो इतना पॉपुलर हो नहीं पाया। इफ़ अ सॉन्ग इज़ पॉपुलर डजन ऑटोमेटिकली मीन दैट इट्स गुड। सेम थिंग विद मूवीज़। पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ पॉपुलर डजन मीन दैट यू विल ऑल्सो लाइक इट। फैशन, म्यूजिक, मूवीज आर सच पर्सनलाइज थिंग्स। वाई शुड यू टेक अदर्स ओपिनियन ऑन योर चॉइस? आई टेल यू वाई। यू आर प्लेइंग सेफ। कोई ऐसी चीज़ चूज करके जो पॉपुलर है, आप एक सेफ ऑप्शन ही ले रहे हो, क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा लोगों को पसंद है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी पसंद होगी। जैसे मूवी की टिकट बुक करने से पहले आप ये नहीं चाहते कि आपका टाइम और मनी वेस्ट हो, इसलिए आप पहले से ही रेटिंग्स चेक करते हो, रिव्यूज़ चेक करते हो और एक सेफ ऑप्शन लेते हो जो ज़्यादातर लोगों को पसंद है। और अगर वो इतने ज़्यादा लोगों को ही पसंद है तो शायद आपको भी पसंद हो। पीयर प्रेशर कैन इवन रैप अराउंड योर कॉमन सेंस। देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय सोलमन एश, जहाँ उन्होंने एक ओरिजिनल लाइन ड्रॉ की और फिर उसके नेक्स्ट टू तीन वेरिंग लेंथ्स की लाइंस ड्रॉ की। अब ये बताना था कि कौन सी इन तीनों में से लाइंस की लेंथ इस वाली से सेम है। करेक्ट आंसर था नंबर 3। जब पार्टिसिपेंट्स को अकेले में पूछा तो उन्होंने सही आंसर दिया, नंबर 3। बट जब उन लोगों ने वो एक्टर्स के साथ आंसर दिया तब उनका आंसर अलग हुआ। उन एक्टर्स को देख के 1/3 ऑफ द केसेस ने उन्हीं के साथ अग्री किया और गलत आंसर दिया, इवन दो द आंसर वॉज ऑब्वियसली नंबर 3। सोशल प्रूफ आपने यहाँ पे भी देखा होगा। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स सेंड देयर किड्स इनटू इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर डूइंग इट। दिस इज ऑल्सो सोशल प्रूफ।
Now, engineering might be a safe option, but is it the best for their child? Who knows? अब advertisements तो होते ही हैं हर जगह, और advertisements में आपने एक चीज़ notice की होगी, 9 out of 10 recommended, best in India, number 1, people's choice, पता नहीं क्या क्या. If a lot of people have bought it, does it mean that it's the best? No, it doesn't. ये bias को हमारे दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है. It is deep rooted in us. इसलिए इस वीडियो का यही कंक्लूजन है कि अगर आपको सेफ खेलना हो, सेफ इस ऑप्शन के साथ जाना हो, तभी मेजॉरिटी के साथ जाइए. बिकॉज गोइंग विद द मेजॉरिटी डजंट नेसेसरीली मीन दैट इट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. मोस्ट ऑफ द चॉइसेस इन आवर लाइव्स शुड बी पर्सनलाइज्ड टू आवर नीड्स. जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो और आपके पास आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या कौन से फीचर्स चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए, तो इस केस में आपको मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट ऑप्शन. अगर इतने ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा और अगर उनके नीड्स फुलफिल हो गए तो शायद आपके भी हो जाएं. अब ये तो बस एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल था. इट डजंट मैटर विच वन यू टेक बिकॉज द मेन फंक्शन इज वॉशिंग क्लोथ्स एंड एनी वॉशिंग मशीन विल डू इट. बस थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर ही होंगे. आपको सोशल प्रूफ का तब ध्यान रखना है व्हेन यू आर टेकिंग मेजर डिसीजंस इन लाइफ लाइक एजुकेशन और योर करियर. ये डिसीजंस दूसरों की चॉइसेस में मत बेस करो. ये नहीं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ. जो आपको अच्छा लगता है आप वही करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द वीडियो वेर आई आस्क यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बट दिस टाइम टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस टू. मेरे पास एक लेजिट रीज़न है, ठीक है. यूट्यूब इज़ नॉट रिकमेंडिंग माई वीडियोज टू इवन द वंस हु आर सब्सक्राइब्ड. सो इफ यू आर सब्सक्राइब्ड एंड वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़, हिट द बेल आइकन.